दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं बात करूंगा आपके साथ में भाग्य को लेकर के। कर्म महत्वपूर्ण होता है या भाग्य, और हमारी कुंडली के अंदर क्या ग्रह की स्थिति है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन क्या भाग्य का संपूर्ण साथ हमें मिल पा रहा है या नहीं, या फिर भाग्य के भरोसे ही हम लोग चल रहे हैं। कर्म की इन्वॉल्वता इसमें कितनी है, इन सब चीजों को हम यहां पर देखेंगे और समझेंगे। आप अपनी कुंडली निकालिए और घर बैठे आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। दर्शकों, हम चर्चा को शुरू करें। यदि आप नहीं दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे भी समय समय पर आपको हमारी अपडेट्स प्राप्त होते रहे, चाहे अध्यात्म हो, ज्योतिष हो, मुहूर्त आदि की जानकारी हो, ग्रह परिवर्तन जब करते हैं उस समय की स्थितियां हो, राशिफल आदि जानकारी आपको मैं देता रहता हूं समय समय पर। अब मैं आपको चार पांच बिंदु यहां पर बताने वाला हूं जो आप अपनी कुंडली में देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लो आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके भाग्येश की स्थिति को थोड़ा देखें पहले। भाग्येश का मतलब आप समझ रहे होंगे, आपके कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर आप जो है जो फर्स्ट खाना होता है वहां से गिनेंगे और सीधा नवम भाव पर चलेंगे, उसके अधिपति होते स्वामी होते हैं नवमेश, यानी कुंडली में महत्वपूर्ण भाव का मालिक भाग्येश। लेकिन पहले पॉइंट पर हम समझेंगे हमारे सुखों के अधिपति को, यानी चतुर्थ भाव के मालिक को, जो फोर्थ हाउस है उसके लॉर्ड कहां बैठे हुए हैं। अगर चतुर्थ का जो मालिक है अगर वो अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाता है तो समझ लीजिए कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे पाता। आज विषय आज यही है, इसको समझें कि क्या भाग्य आपके पक्ष में है या नहीं, और नहीं है तो हमें उपाय क्या करने हैं उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। सुख का अधिपति यानी चतुर्थ का स्वामी यदि अष्टम में बैठ जाए तो पहला भाव है, पहला पॉइंट है कि भाग्य आपके साथ में नहीं है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, क्योंकि जो चौथा घर है वो सुख का है और जो अष्टम घर है वो रोग का है, वो मृत्यु का है, वो शोक का है, वो आयु का है, समझ लें, वो परेशानियों का भाव है। तो सुख के अधिपति का यहां बैठना आपके लिए सुख में विहीन करना हो गया और कहीं ना कहीं भाग्य का बाधक बनना हो गया। उसके बाद दूसरा बिंदु, लगन का अधिपति जो कुंडली में मेन होता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी देखा जाता है, पूरी ग्रह की स्थिति हर एक बिंदु पर विचार करने से पूर्व जो है या पश्चात में जो है हमें लग्न का विचार जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि लग्न ही उस सब का भोगता है। सुख का विचार भी कर रहे हैं किसके लिए, लग्न के लिए, दुख का विचार हो रहा है लग्न के लिए, आय का हो रहा है लग्न के लिए, भाग्य का हो रहा है लग्न के लिए, सब तो लग्न ही मेन है ना भाई। शरीर के ही तो सारे अंग हैं, हाथ किसका है, शरीर का है ना, आंखें किसकी है, शरीर का है। एक मान लो किसी का हाथ हाथ कट गया, हाथ के बिना तो काम चल जाएगा लेकिन शरीर के बिना तो काम नहीं चल रहा, वो तो उसका मुख्य बिंदु है ना। इसी प्रकार से जन्म कुंडली के अंदर लग्न प्रधान है, उसका द्वितीय भाव धन, ठीक है, धन के बिना तो जीवन चल जाएगा, धन जिनके पास ज्यादा है उनका भी चल रहा है, जिनके पास कम है उनका भी चल रहा है, जिसके पास नहीं है उसकी भी खाने की व्यवस्था है, लेकिन लग्न मुख्य है। तो लग्नेश को इसके साथ साथ में देखिए, द्वितीय दूसरा है भाग्य पर, भाग्य के चैप्टर में लग्नेश को देखेंगे और सेकंड लॉर्ड को देखेंगे, द्वितीय के अधिपति की स्तुति और उसके बाद सेवंथ के अधिपति। अगर ये तीनों त्रिक भाव में जाकर के बैठ जाएं, षष्टम में बैठ जाएं, अष्टम में बैठ जाएं, द्वादश में जाकर बैठ जाएं, बड़ा आपको धैर्य से आप समझें, लग्न का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम का स्वामी यदि कहां जाकर बैठ जाए, त्रिक भाव में, यानी छह में बैठ जाए, आठ में बैठ जाए या द्वादश में जाकर अगर बैठ जाते तो भी भाग्य यहां पर प्रबल होने की सूचना को नहीं देता, और यहां पर कमजोर होने की स्थिति में आ जाता है। तीसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, नवमेश अगर त्रिक भाव में जाकर बैठ जाए, त्रिक भाव
यानी षष्ठम में बैठ जाएं, अष्टम में बैठ जाएं या द्वादश के अंदर बैठ जाएं, अगर नौमे वहां जाकर बैठ जाते हैं और सातवें पाप ग्रह की युति में बैठ जाते हैं, समझ रहे, या फिर अस्त होकर बैठ जाते हैं या फिर पापाक्रांत होकर के बैठ जाते हैं और यह पाप कर्तरी होकर बैठ जाते हैं, तो भी भाग्य यहां पर पूर्ण रूप से आपका साथ नहीं दे पाता है। एक और आगे बिंदु बढ़े, नवम भाग्य का मालिक जो है, यानी नवम का मालिक जो है, यानी नवमेश जो है, यानी नाइन्थ लॉर्ड जो आपकी कुंडली में बन रहे हैं, अगर वो पाप कर्तरी अवस्था में है, अस्त की अवस्था में है, शत्रु पीड़ित है, शत्रु दृष्ट है, अंशगत न्यून है, तो भी भाग्य यहां पर आपका प्रबल नहीं माना जाएगा। तो भी ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और भाग्य उनका साथ कम देता है, ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है। नौमेश पाप कर्तरी हो, अस्त हो जाए, नीच की संगत में बैठे या उनसे पाप से जो है पीड़ित होकर बैठ जाए, दृष्ट होकर बैठ जाए, अंशगत अवस्था उसकी कम हो, तो जो है इनका यहां पर स्वाभाविक कमजोर होना कहा जाएगा। तो भी यहां पर इस अवस्था में वो जो है नवम उस यानी उसके भाग्य को पूर्ण साथ ऐसे स्थिति में नहीं मिल पाता है नवमेश के ये कंडीशन पर। अब हम बात कर लेते कि नवमेश अगर कुंडली के अंदर आपका मजबूत नहीं बैठा हुआ है, अगर ये सारी चीजें वहां पर हैं कि चौथे का मालिक अष्टम में बैठ गया, वो उसकी अवस्था ठीक नहीं हुई, नवमेश के साथ में जो स्थितियां बन रही थी वो वहां पर अनुकूल नहीं है, नवमेश अस्त है, नहीं चैत्रिक भाव में है, तो ऐसी स्थिति में वो बलहीन हो जाते हैं। तो हमें उपाय क्या करना है अब उसको आप समझ लीजिए। नवमेश का जो नैसर्गिक यहां पर जो व्यवस्था है कालपुरुष की कुंडली के अंदर, उसके अधिपति बृहस्पति होते हैं। अगर इन सब चीज का आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप बृहस्पति की उपाय कीजिए। उपाय बहुत सारे हैं जिसको लेकर मैं पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूं। उससे संबंधित आप नवम भाव को मजबूत करने के लिए बृहस्पति को सबसे पहले मजबूत करें। बृहस्पति वार को किसी भी प्रकार से आप साबुन से न नहाएं, कपड़े उस दिन साबुन से न धोएं, साथ ही आप अपने दैनिक पूजा में बृहस्पति को कहीं ना कहीं स्थान दीजिए। पुखराज उसका जो रत्न है आप उसको भी धारण कर सकते हैं, पीले वस्त्रों को अपने वस्त्रों में सम्मिलित कर सकते हैं। और उससे एक बिंदु आगे चलेंगे तो आपकी जन्म कुंडली में कौन नवमेश है उसको आप देखें, उसकी क्या पोजीशन है, उससे संबंधित जो रेमेडीज हैं वह आप कीजिए। उसके लिए वैदिक उपाय श्रेष्ठतम उपाय है, आप उसको कीजिए। और उसके साथ साथ में उसका जो रत्न है उसको भी आप देख लें कि रत्न पहनने की स्थिति में वहां पर है या नहीं है, और तब आप उससे संबंधित रत्न भी धारण कर सकते हैं। वैदिक उपाय, वैदिक जप हैं, उसकी शांति है, उसको आप कीजिए और तब आप अपने भाग्य का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो दर्शकों, ये था एक महत्वपूर्ण आज कुंडली विश्लेषण के हिस्सा जो हम नवम भाव को लेकर किया। यदि आप भी अपने जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, या किसी व्यक्तिगत सलाह को आप ज्योतिष के रूप में लेना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान का जो वेबसाइट है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, या नीचे लगातार जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, समय ले सकते हैं और घर बैठे आप कंसल्टेंसी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए, ऐसी तमाम वीडियोस आप लगातार हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।